गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आमला सोचे भी घूमे कि ये क्या हो रहा है। और आमला यहाँ पर ओए होए 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 मैं आपको गिरने थोड़ी दूंगी। आमना यहाँ पर झूला झूल रही है और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है आमना को। अच्छा नहीं झुला रही, बस ठीक है, नहीं झुला रही, ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ की रोड जब से वाली विंडो खोली है ना तो मक्खियाँ आने लग गई हैं बहुत सारी। मक्खियाँ कितना तंग कर रही हैं आमना को, कितना तंग कर रही हैं। आमना आमना क्या कर रही हो? मक्खियाँ आ रही हैं अभी है ना, मुझे बंद करनी पड़ेगी ये वाली विंडो, तो सारी मक्खियाँ भर जाएंगी। अच्छा ठीक है, झूला चलाऊँ। और आमना का नया टीजर है ना वो आ गया है, ये देखे अच्छा ना। और हसन यहाँ झूला झूल रहा है और हसन को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, जितना भी तेज चला दो। हसन हसन छोटा छोटा हसन खुद ही झूला झूलोगे। आ मैं चलो पकड़ के बैठो, ये देखें कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है मोमशन को। आमना आमना को मक्खियां बहुत तंग कर रही हैं। हसन हसन आमना देखे अब छिक गई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा क्या बात है। लो बिला बजा, अब ना मैं हसन को सुला देती हूँ, उसको बहुत नींद आ रही है, झूल झूल के बिला। आज बहुत दिनों बाद मदरसे जा रही है अनाबिया, अनाबिया अनाबिया चले। और कल जो मेरे अबाया पे ना पानी गिरा था ना, वो जो कुकर का पानी गर्म गर्म गिरा था, तो वो ये वाले अबाया पे गिरा था। और कल मैंने मशीन लगाई है तो मैंने अबाया भी धो लिया अपना, देखिए मैंने बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया इसको धो के। अब फटाफट से ना बस मैं अनाबिया को छोड़ कर आ जाती हूँ मदरसे, मदरसे छोड़ कर आ गई हूँ अनाबिया को। और आज का टास्क मेरा है, क्या है आज मुझे सेट करनी है अपनी अलमारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फैली भी हो रही है, हो रही है अलमारी की। बस अपने कपड़े आज मैं सेट करूँ, सबकी सेट करती रहती हूँ, बस अपने रह जाते हैं मेरे हमेशा, तो आज मैं सेट करूँगी अपनी अलमारी। लाइट आ गई है और मैंने पूरी अलमारी सेट कर ली है, देखें नीचे की तो सेट ही थी वैसे पहले की, अब ये मैंने ये दोनों कर दी हैं और साथ साथ मैंने अनाबिया और इनकी भी सेट कर दी है, ये देखें इनकी तो आज दिन करनी पड़ती है, दोनों की भी कर दी, लेकिन ये लोग थोड़ी देर बाद फिर फैला देंगे। और ये कपड़े इस्त्री वाले हैं, इस्त्री करने हैं, अब यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। भैया हुरैन को भी ट्यूशन छोड़ कर आ गई थी और अनाबिया की जो है आज ट्यूशन की छुट्टी है और अनाबिया वापस आ गई है। आमना और हसन लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं, उनके साथ काम वाम सारा हो गया है, सफाई वगैरह सब कर ली है, खेल रही है ना आमना आपके साथ। और अब खा लेते हैं थोड़े से अंगूर और मैंने उसको वॉश कर लिया है। तो भाई ये अचानक से जो है मैं फिर अचानक से ना मुझे कॉल आई कि अम्मी की ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में वो भी होश हो गई थी और डायलिसिस होते हैं उनके, घर पर आ गई थी। तो दोपहर में जो है हुआ कुछ यूँ कि मेरी अम्मी के जो है वो डायलिसिस होते हैं, तो तबीयत तो उनकी हो जाती है अक्सर ख़राब, लेकिन फिर सही भी हो जाती है। तो आज भी कुछ यूँ हुआ कि 3 बजे के टाइम दोपहर में मेरी बात हुई थी उनसे, वो बिल्कुल ठीक थी, डायलिसिस उनके हो रहे थे और मतलब तबीयत उनकी सही थी, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी, फिर अचानक से कॉल कट गई थी। तो फिर मैंने बोला शायद अम्मी आराम वगैरह कर रही होंगी, तो फिर मैंने दोबारा कॉल नहीं करी। उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि 5 बजे मुझे पता चला कि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको
जैसे वो बेहोश हो गई थी डायलिसिस पर ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि वो बेहोश हो जाती थी तो और सही भी हो जाती थी। तो आज कुछ यूँ हुआ कि डायलिसिस सेंटर वाले जो है ना, उन्होंने बोला कि हम एक घंटे से कोशिश कर रहे हैं उनको होश लाने की, तो उनको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जैसे इतनी वो भी नहीं है वेंटिलेटर वगैरह की सहूलत, तो आप उन्होंने कहा कि आप इनको ना लेकर चले जाएँ SIUT जो कि है कराची का बहुत बड़ा गुर्दों का अस्पताल, और उसके अलावा मतलब कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो फिर वहाँ पर SIUT लेके गए उनको, उसके अलावा कहीं और लेकर जा भी नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे पहले भी ट्रीटमेंट हुआ था, तो मतलब फाइल वगैरह सब बनी हुई थी। तो बहरहाल फिर उनको वहाँ पे एम्बुलेंस में लेके गए, वहाँ पे बिल्कुल अम्मी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, बेहोश हो गई थी, उनको बहुत आवाज़ें लगाई, उनको बहुत कोशिश करी, मतलब ट्रीटमेंट जो होता है उनको बिल्कुल भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद पापा, मेरी बहन और भी लोग थे, तो वो सब लोग गए। फिर मतलब जैसे ही गए ना हॉस्पिटल, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी मतलब जो है, मतलब तो डॉक्टर तो ऐसे बोल जाते हैं उनको, तो मतलब ऐसा लगता है कोई दिल विल है ही नहीं उनका ना, तो ऐसे ही वो ही बात है ना, जिस पर गुजरती है तो उसको पता होता है। तो ये है कि फिर उन्होंने बोला कि मतलब इनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, इनको कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है इनको पता ना खास्ता हार्ट अटैक हुआ हो और ब्रेन हैमरेज हो सकता है, और हो सकता है उनको पता नहीं क्या क्या बोला ना। तो आप जहनी तौर पर तैयार रहें, इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मतलब हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते, हम आपको जवाब दे रहे हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। तो जाहिर है उन्होंने ऐसे कह दिया कि हम आपको जवाब दे रहे हैं, मतलब हम मतलब छोड़ दें आप ना, बस दुआ करेंगे, बोल दिया उन्होंने कि हम लोग मतलब आपको जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग ने, ऐसे ऐसे बोल दिया उन्होंने। अब मम्मी बिल्कुल भी मतलब बेहोश हुई हुई, ना उठ रही हैं, ना सुन रही हैं, ना बोल रही हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था कि उनकी जो पल्स थी ना वो भी नहीं चल रही थी, और उनके हाथ में जो है इस जगह पर, हाथ में ये वाली जगह पर, जगह पर जो है उनके हाथ में फेस्टुला लगा हुआ है। फेस्टुला उसे कहते हैं, उनकी डायलिसिस होती है गुर्दे वॉश जिसे कहते हैं आसान जुबान में, गुर्दे वॉश होते हैं, और यहाँ से उनके मतलब यहाँ पर जो है उनकी ना मशीन लगी हुई है फेस्टुला की, तो यहाँ से उनके डायलिसिस होते हैं। तो वो फेस्टुला भी है जो उनका बिल्कुल बंद हो गया था, सर्जरी होती है उसकी भी पूरी ना, तो फेस्टुला जो लगा हुआ था उनकी वो बिल्कुल बंद हो गया था, और उसके बाद उनकी जो हार्ट बीट होती है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद बिल्कुल वो मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो अब वही है कि हम लोग भी आ गए जल्दी जल्दी, जिसको पता चल रहा है वो फ़ौरन आ रहा था घर पर, हॉस्पिटल में जा रहे थे। तो फिर ये है कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट वगैरह करा, हमने दुआएं कराई, और घर में जो है चियाँ वगैरह पढ़ाई, और बस ये चीज़ें करी हमने, दुआएं कराई। ये है कि बस मुआवजा हो गया आज ना, ये है कि आज हम मुआवजा हो गया, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, जितना शुक्र अदा करें हम कम है कि अम्मी की तबीयत अब ठीक है, बेहतर है, होश तो उनको आ गया है। बस उनके जो पैर है ना, पैर में मतलब जो कहते हैं हम थाइस पर, उनके वहाँ पर लगी है लाइन, लाइन भी एक मतलब एक है फॉर्म, उसकी टाइप है डायलिसिस होने की, मतलब उसमें दो लाइनें होती हैं इस तरह की ना, तो एक से निकलती है डायलिसिस का खून, और एक से साफ होके अंदर जाता है, मतलब खून में जितना भी पानी वानी होता है वो निकलता है। जैसे दो लाइनें हैं ना, तो इससे पानी निकलता है, इससे खून निकलता है, और वो पूरी मशीन में जाता है, घूमता है फिरता है, और ये वो जो भी उसकी सफाई होती है होती है, और इस वाली लाइन से वापस अंदर आ जाता है, ये इसका प्रोसेस होता है डायलिसिस का। तो अब जो लाइन लगी है उनकी डायलिसिस की, वो लगी है उनकी थाइस पर, तो वहीं से डायलिसिस हुआ करेंगे उनके थोड़े दिन तक, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगी, फिर उसके बाद देखें इंशाल्लाह, उनका जो फेस्टिवल लगा है हाथ से, हाथ पर, तो वहीं से होगी। तो जी हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बस यही कहेंगे कि डॉक्टर को अल्लाह ताला हिदायत दे जो ऐसी बातें कर जाते हैं, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला बस अल्लाह ही है सब कुछ, यही कहूँगी। और बस अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत 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 शुक्र, जितना शुक्र अदा करें हम अदा करें कम है, और अम्मी अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस शिकर जितना शुक्र अदा करें कम है।
और बस अब मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे, और बहन भी आई हुई है जिसका बेबी हुआ है, और अम्मी भी, अम्मी देखती थी ना उसे तो वो भी अभी अम्मी हॉस्पिटल में, अब देखें कब डिस्चार्ज करते हैं क्या होता है। अभी ये कि बस अभी तक मिलने तो वार्ड में तो वैसे भी मिलने नहीं देते, तो ये है कि जाऊंगी जब मिलने की टाइमिंग होगी, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ही है मिलने की टाइमिंग। अब सुबह सुबह जाएंगे और मिलकर आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी सो रहे होंगे, फिर उसके बाद अगर मैं जाऊंगी ना तो बच्चे उठ जाएंगे और फिर दोपहर में जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस अब आज का व्लॉग ये सेंड करते हैं, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, और जिन लोगों ने दुआ की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।